स्टॉक देखिए इंटरग्लोब एविएशन, और जैसे आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी क्रूड रिलीफ को बाजार शायद बचाने की कोशिश कर रहा है, वो इम्पैक्ट यहां भी है। क्या लगता है, ट्रेड करेंगे? उड़ान भरने के लिए तैयार है। लास्ट दो दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया है और आज ये स्टॉक प्राइस एक्शन दिखा रहा है। वो ये शो कर रहा है कि स्टॉक यहां से इमीडिएटली 1230 का लेवल दिखाएगा और जैसे ही अगर ये 1230 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसकी जो करेक्शन है वो खत्म होकर एक फ्रेश तेजी की शुरुआत कर सकता है, जिसमें आने वाले समय में हमें स्टॉक के अंदर 1330 से 1350 तक के लेवल्स दिखा सकता है। यानी 100 से 150 पॉइंट की तेजी हमें इंटरग्लोब एविएशन के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकती है। प्योर ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट लेवल्स पे ले लेना चाहिए, 1180 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में इमीडिएटली 1230 का टारगेट। सिमी, आपकी कॉल क्या होगी? ये है कॉल, लेकिन IOC के चार्ट पे एक बार नजर डालिए सुमित, क्या लगता है आपको कि ये बॉटम बनने के संकेत दे रहा है? काफी लंबी पिटाई के बाद आज की शुरुआत देखते हुए मंदी की पोजीशन अगर कोई बाकी हो, क्या काट लेनी चाहिए, क्या लॉन्ग भी कर सकते हैं? सही स्टॉक पकड़ा है प्रदीप जी आपने और एकदम सही टाइमिंग है स्टॉक का, काट लेना चाहिए मंदी का पोजीशन। स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से अच्छा मूव देगा, जिसके अंदर हमें आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये स्टॉक यहां से इमीडिएटली हो सकता है 10 रुपए का मूव तो इमीडिएटली दिखाए और शायद हो सकता है कि ये बेस बनके यहां से वापस से एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो और हमें ऊपर में 180-185 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर CMP पे बाय करते हैं 159-160 के आसपास, 3 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट हमें 165 और 170 ये ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 165 और 170 आप कह रहे हैं ऊपरी तरफ टारगेट आएगा।